नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम मराठी भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मूल शब्द, बेसिक शब्द जानेंगे जो हम रोज़ाना जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। पहला शब्द है मैं। मैं का मतलब मी। मैं लड़का हूँ, इसको मराठी में हम बोलेंगे मी मुलगा आहे। मी मुलगा आहे। अगर कोई लड़की होगी तो वो बोलेगी मी मुलगी आहे। अगला शब्द है मुझे, मतलब मला। मुझे मला। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अगर आपको बोलना है मुझे किताबें पढ़ना पसंद है तो आप बोलोगे मला पुस्तके वाचायला आवडते। मला पुस्तके वाचायला आवडते। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आम्ही अभ्यास करत आहोत। आम्ही अभ्यास करत आहोत। तुम कहाँ जा रहे हो? तू कुठे जात आहेस? अगला शब्द है नहीं। नहीं का मतलब नाही। आपको किसी को अगर नहीं बोलना है तो आप बोलोगे नाही। जैसे मुझे पता नहीं का अर्थ है मला माहित नाही। अगला शब्द है क्यों। क्यों का मतलब है का। तुम क्यों जा रहे हो? आपको पूछना है तुम क्यों जा रहे हो, आप पूछोगे तू का जाता हैस। ऐसे ही रोजाना इस्तेमाल होने वाला और एक शब्द है चाहिए। चाहिए का अर्थ है पाहिजे। आपको कुछ चाहिए तो आप बोलोगे पाहिजे। मुझे पानी चाहिए तो आप बोलोगे मला पानी पाहिजे। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बोलोगे नको आहे। नहीं चाहिए, नको आहे। मुझे चाय नहीं चाहिए, मला चहा नको आहे। अगला शब्द है लो या लीजिए। लो एक वचन है, लीजिए आदरार्थी या अनेक वचन है। उसका मराठी अनुवाद है घे या घ्या। घे एक वचन और घ्या अनेक वचन या आदरार्थी में इस्तेमाल होता है। घे या घ्या। इसका वाक्य प्रयोग हम देखते हैं। आपका टिकट लीजिए, ये आदरार्थी या अनेकवचन वाक्य है। आपका टिकट लीजिए, इसका मराठी अनुवाद होगा तुमचं टिकट घ्या। इसी प्रकार आगे है दो या दीजिए, मतलब दे या द्या। मुझे खाना दो, मतलब मला जेवन दे। करो या कीजिए, एक वचन करो, अनेक वचन या आदरार्थी कीजिए, इसका मराठी अनुवाद होगा कर या करा। तुम्हारा काम करो को मराठी बोलेंगे तुझे काम कर। अगर आपको बोलना है मत करो या मत कीजिए तो आप बोलोगे करू नकोस। ये गलत है, ऐसे मत करो। हे चुकीचे आहे, असे करू नकोस। हे चुकीचे आहे, असे करू नकोस। इसी लाइन पे अगला शब्द है आओ या आइए, मतलब ये किवा या। तुम मेरे घर आओ। अगर आपको किसको घर पे बुलाना है तो आप बोलोगे तू माजा घरी ये। यही वाक्य अनेक वचन या आदरार्थी में ऐसे रहेगा तुम्ही माजा घरी या। अगला शब्द है जाओ या जाइए, इसका मराठी अर्थ है जा। मराठी में इसका एक वचन अनेक वचन एक ही शब्द है जा। आप खाना खा के जाइए, आपको किसको बोलना है आप खाना खा के जाइए, आप बोलोगे तुम्ही जेऊन जा। इसका एक वचन भी सेम ही रहेगा तू जेऊन जा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।